तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे फोर्थ चेक में जॉब कैसे ट्रू करते हैं। उससे पहले आप ये जान लीजिए जॉब ट्रू होता क्या है। फ्रेंड्स, मान लीजिए ये हमारा चक का फेस है। जॉब्स की मदद से जॉब को केंद्र बिंदु पर कसने को ही जॉब ट्रू कहते हैं। ये चक है और ये हमारे जॉब्स है। ये हमारी जॉब है, हम इस जॉब को अपनी जॉब्स के बीच में डाल देंगे। ये हमारी फोर्थ चेक की है। पहले हम ऊपर का जोस और नीचे का जोस ये दोनों बराबर टाइट करेंगे। तो गाइस, ये हमारे ऊपर के और नीचे के दोनों जॉब्स हमने टाइट कर लिए हैं। अब हम अपने से स्केल की मदद से इसे चेक भी कर सकते हैं। हम अपने जॉब्स के लास्ट पॉइंट पे स्केल लगाएंगे और सर्कल के लास्ट पॉइंट की दूरी चेक करेंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये 6 mm है। अब नीचे वाले के भी ऐसे चेक कर लेते हैं। ये भी हमारा 6 mm है। अब जैसे हमने ऊपर के और नीचे के जॉब्स टाइट किए थे, अब हम ये वाले और ये जॉब्स दोनों टाइट कर लेते हैं। तो गाइस, ये हमने चारों जॉब्स अपने टाइट कर लिए हैं। अब हम इसे अपने स्केल की मदद से चेक कर सकते हैं। जैसे जॉब्स के लास्ट पॉइंट और सर्कल के लास्ट पॉइंट पे अपना स्केल लगाएंगे और इसके बीच की दूरी चेक करेंगे। ये भी 6 mm है, ये भी 6 mm है और ये भी 6 mm है। हमारी जॉब लगभग लगभग ट्रू हो गई है। अब हम अपने सरफेस गेज लगा के इस जॉब को और चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जॉब 90% ट्रू हो गई है। इसमें ओनली 10% का काम बचा है। 10% का काम यह है, जहाँ से हमारा सरफेस गेज का पॉइंट और जॉब के बीच में गैप आ रहा है, वो जॉब हम ढीला करेंगे। ये हम ढीला करेंगे और इसका अपोजिट वाली साइड जॉब्स हम टाइट करेंगे। यहाँ से हमारा गैप आ रहा है तो हम ऊपर वाला जॉब्स अपना ढीला करेंगे और अपोजिट वाली जॉब्स हम टाइट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जॉब ट्रू हो गई है। ये गाइस सरफेस गेज के पॉइंट में और जॉब के बीच की दूरी में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए।